हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सेटअप काफ़ी अलग सा है, क्या चक्कर है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि यार आज का जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। यार आप सब लोग पूरे वीक पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग तो 7 से 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को स्ट्रेस हो जाता होगा, तो उसके लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इफ़िशियंसी बनी रहे। तो ये वीडियो आपका उसी ब्रेक का काम करेगा। और यार इस वीडियो का मतलब ये नहीं है, जो आपके ऑलरेडी सीरीज चल रही थी एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपकी क्लासेस ली जा रही थी उनसे रिलेटेड जो भी सीरीज चल रही थी वो चलनी बंद हो जाएगी। वो सारे के सारे वीडियो आपके मंडे से सैटरडे तक आते ही रहेंगे। और यार एक वीडियो जो हम आपको संडे को देते थे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो भी वीडियो आता रहेगा। ये कुछ एडिशनल कंटेंट है जो आपको देखने को मिलेगा ताकि आप थोड़ा सा ब्रेक ले पाएं और आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएं। तो यार हमने एक कंपाइलेशन वीडियो बनाया है मीम्स का, ठीक है, आज हम उस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। बाय 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 बाय। ये तो एकदम लौंडे खतरनाक लग रहे हैं कतई। चलो पहला देखते हैं। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हैं। भाई साहब लौंडे का कॉन्फिडेंस देख रहे हो। बाय 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 बाय, कतई खतरनाक है साला। इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं था जब मैं पढ़ता था। चलो देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे भाई साहब इसने इतने कॉन्फिडेंस के बाद और इस कॉन्फिडेंस से जो जवाब दिया है ना, बैंगन। भाई साहब पता नहीं कहाँ पढ़ता है भाई, स्कूल के आगे या पीछे समझ में नहीं आया मुझे। देखते सब्जेक्ट विषय इंग्लिश। भाई साहब कह रहा भाई क्या ही बताऊं। ठीक है यार देखो ये सीधी सी बात है, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब देखो हम लोगों से जितना हो रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से भी थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। ये हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, तब मजा आएगा। अगला देखते हैं। कोई और नहीं, कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख रसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। बहुत बढ़िया दिव्यकीर्ति सर, बहुत बढ़िया। 3 मार्च प्रयाल मई जुलाई सिकुंडर अठुंडर संडे मंडे दुर्जड़े सरसड़े बुधवार। भाई साहब ऑसम ऑसम। भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 10th और 12th वालों का लॉकडाउन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, थोड़ी बहुत हैम्पर हुई होगी। लेकिन ये भाई ये वो लोग हैं प्रो लोग। यू हैव गॉट 95 इन इंग्लिश, 80 इन मैथ्स एंड 33 इन साइंस, सो व्हाट स्ट्रीम डू यू वांट टू टेक? कॉमर्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सो व्हाट स्ट्रीम डू यू वांट टू टेक? आर्ट्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अंकल का सीधा मतलब है देखो कि हम जो सिखा के लाए हैं वो बोलो, वो बोल नहीं रहा है, अंकल भड़क जाते हैं। एक बार देखते हैं आगे, इसको मजेदार है। आर्ट लेंगे। सो व्हाट स्ट्रीम डू यू वांट टू टेक? बोलो। सिखा के लाए अंकल, बोलो, सिखा के लाए थे घर से यार, बोलो। साइंस। भाई बंदे के 33 नंबर थे, साइंस दिलवा दी, अंकल भी एकदम क्या ही बताएं हम। भाई ये ऑब्सेशन है,
इंडियन पेरेंट्स का ऑब्सेशन है इस चीज से कि भाई अगर हमारा लड़का साइंस ले रहा है तो हमारा लड़का इंटेलिजेंट कहलाएगा, अगर उसने आर्ट्स ले ली तो फिर वो इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं भाई, तुम आर्ट्स लेके भी बहुत कुछ कर सकते हो। आर्ट्स लेके आइए तो बन जाओ, क्या पता, मेहनत करनी पड़ेगी केवल, जरूर वो करते रहो बस। नेक्स्ट देखते हैं। एक साल हो गई क्या कहते हैं 12th करे हुए, मुझे अभी तक कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं लाइफ में आगे। अगर कोई मैं दंगल फिल्म देख लेता हूं तो मन करता है कि कुश्ती चालू कर दो यार। विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देख लेता हूं तो मन करता है डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दो, इसमें पैसा है। आपकी वीडियो देख लेता हूं तो फोटोग्राफी लग जाता है, फोटोग्राफी कर लेता हूं। बहुत सही ये यार, ना ये जो इसने चीज पूछी है मजाक में भले ही टाल दी गई हो लेकिन ना ये 90% इंडियन बच्चों के साथ होती है। आप बताओ करूं क्या मैं? बेस्ट है कुछ मत कर। ऐसे भी लोग दुनिया में होने चाहिए जो कुछ ना करे। संदीप सर सैविज भाई, मस्त रहो। तीन लॉ दिए न्यूटन ने, तीन आदि। हाँ ये वाला जो अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये भाई क्या, देखो इसको देखो। फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टैटिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है यार। खाई है ऐसी मार, क्या डस्टर वाली मार खाई है भाई साहब, फेंक के मार दिए डस्टर। भाई साहब, स्टूडेंट रॉक्स टीचर सॉफ्ट भाई साहब, क्या तोड़ू बंदा था। सो गया आके वापस आके फिर सो गया, क्या था लेट कर दिया सर जी हमने, अब हम फिर से जा रहे हैं सोने। बाय बाय बाय। तो यार ये था वीडियो, कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। हम अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत बहुत लगती है भाई लोग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जय हिंद।